ये जोमटेन हॉस्टल और अभी हम लोग जा रहे फ्रेंड्स, ये है हॉस्टल जोमटेन हॉस्टल जो है जोमटेन बीच के पास में। और इसकी ख़ास बात यह है दोस्तों कि ये सबसे चीपेस्ट मीडियम में आपको अगर थाईलैंड में रुकना है, और इसमें आपको सब कुछ एसी मिलेगा और डॉर्मेटरी बेड मिलेंगे और साथ में फ्री वाटर मिलेगा, फ्री वाईफाई है, इंटरनेट कनेक्शन भी बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे रुकने का पर नाइट चार्ज है ओनली 150 बात, यानी कि पकड़ के चलिए 350 रुपीज़ इंडियन रुपीज़। तो दिस इज़ द चीपेस्ट प्लेस यू कैन फाइंड टू स्टे इन थाईलैंड। और यहाँ पे आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, फूड जो है आगे जाके थोड़ा सा वॉकिंग स्ट्रीट जैसा ही स्ट्रीट है, यहाँ पे वहाँ पे सारा फूड है और बहुत सारी चीज़ है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं घूमने के लिए, तो चलते हैं। ये जोमटेन हॉस्टल और अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, देखेंगे क्या क्या है थाईलैंड में। और आज हमारा पहला दिन है, तो सारे के सारे जो हॉस्टल्स है, जैसे ए टू सी हॉस्टल हो गया, जोमटेन हॉस्टल हो गया, ये सारे के सारे जो है जोमटेन बीच के नज़दीक है, जो सबसे सस्ता प्लेस कहा जा सकता है रहने के लिए थाईलैंड में। कुछ भी ठीक है, उसका नाम है सफ़ायर, बहुत ही अच्छा क्लब है, बहुत सारा लड़की है, टोटल 54 लड़की है। तो फ्रेंड्स, ये है जोमटेन बीच रोड और यहाँ पे ये सरिता होटल है, वहाँ से आपको अंदर जाना है जहाँ पे आपको मिलेगा जोमटेन हॉस्टल का बोर्ड भी। और जोमटेन बीच जो है थोड़ा सा, जैसे जैसे दिन ढलता जाता है थोड़ा सा सेफ कम हो रहता है, बिकॉज़ यहाँ पे जो फ्रॉडस्टर्स है या जो लेडी बॉयज़ है वो बहुत सारे लोगों को विक्टिम बनाते हैं यहाँ पे। तो अगर आप जोमटेन रिसॉर्ट्स के पास में हो या जोमटेन बीच पे हो, तो आपको यही हिदायत दूंगा कि आप रात यानी कि कम से कम 10-11 बजे तक आप वहाँ रुक सकते हैं, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे स्ट्रीट्स जो है वो एम्प्टी होने लगती है, तो जो जो स्ट्रीट्स है वहाँ पे बहुत सारे थग लोग घूमते रहते हैं, जैसे कि लेडी बॉयज़ हो गए, और वो आपको विक्टिम बना सकते हैं, यानी कि वो आपसे पैसा मांगेंगे, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो वो गुस्सा भी हो सकती है, आपको मार भी सकती है। तो बेटर वे जो है जोमटेन एरिया जो बीच रोड्स है वहाँ पे रात को ना गुजरे, क्योंकि यहाँ पे पूरा रात को जो है यहाँ पे वो लेडी गर्ल्स जो है, लेडी बॉयज़ जो है वो घूमते रहते हैं। तो दोस्तों, यही सेफ रहता है कि आप कम से कम 10-11 बजे तक आ जाए। अगर आप चाहते हैं वॉकिंग स्ट्रीट जाना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप जोमटेन हॉस्टल ना लें, उससे अच्छा दूसरा हॉस्टल है वहाँ पे जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको हमेशा लोग आते जाते रहते हैं, कितने भी लेट हो जाए लोग घूमते रहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग सेफ रहते हैं। कभी भी जोमटेन जो रिसॉर्ट है, जोमटेन हॉस्टल जो है वो काफ़ी अंदर जाके हैं, ऐसे अंदर जाके गलियों में अगर आप रूम लेना चाहते हैं, तो आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप ज़्यादा लेट नाइट वहाँ पे ना पहुँचे, क्योंकि ऐसे सुनसान गलियों में ही ज़्यादा करके विक्टिम बनाए जाते हैं लोगों को, और ठगा जाता है, लूटा जाता है। तो बेटर वे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, यह हॉस्टल चीप है, सस्ता है, आप रहना चाहे तो रह सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान ज़रूर रखिए कि ज़्यादा लेट नाइट आप यहाँ पे ना गुजरे।